हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन परजून यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड पर फोटो कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे मेरे मोबाइल के कीबोर्ड पर फोटो लगा हुआ है, तो इस प्रकार से आप भी अपने मोबाइल के कीबोर्ड पर फोटो कैसे लगा सकते हैं, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे जानते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मोबाइल के कीबोर्ड पर फोटो लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कहीं पर मतलब कीबोर्ड को ओपन करना है। ठीक है, कीबोर्ड को आपको कहीं पर भी ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर सेटिंग का एक आइकन मिलता है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा थीम का, इसके ऊपर आपको थीम में क्लिक करना है। ठीक है, थीम में आपको क्लिक कर देना है। थीम में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर माय थीम में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लस वाला आइकन का। ठीक है, माय थीम में आपको प्लस वाला आइकन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो सेलेक्ट करने को कहा जाएगा, तो आप जिस भी फोटो को यहाँ से रखना चाहते हैं उस फोटो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ से फोटो आपको नहीं रख मतलब पार मिल रहा है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे, तो यहाँ पर आपको अपना गैलरी भी देखने को मिल जाएगा फोटो, यहाँ से आप फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना कोई एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पर फोटो को लेने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, फोटो को आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है इसमें क्लिक करके। ठीक है, इसको क्लिक करके एडजस्ट कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, इसके ऊपर नेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आप कितना ब्राइटनेस रखना चाहते हैं कीबोर्ड का वो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आप इसको एडजस्ट कर लेना आपको। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डन का, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। डन में आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, फिर से आपको अप्लाई में क्लिक कर देना है। ठीक है, अप्लाई में आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो कीबोर्ड है उस पर फोटो लग चुका है। यहाँ पर आप अपना फोटो भी लगा सकते हैं या किसी दूसरे का भी फोटो लगा सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कीबोर्ड पर जो है फोटो यहाँ पर कैसे लग चुका है। तो इस प्रकार से आप जो है अपना कीबोर्ड पर फोटो को लगा सकते हैं, किसी का भी फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।